नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थावास। जनपद हरदोई के नगर पंचायत बेनीगंज द्वारा लगभग 1,62,00,000 रुपए से बनाए जा रहे कान्हा गौशाला का नहीं हो पाया उद्घाटन। अगर खामियों की बात करें तो लगभग 15 माह पूर्व कान्हा गौशाला की नींव रखी गई थी, जिससे नगर पंचायत स्तर पर पशुपालन कर रहे किसानों एवं आवारा जानवरों की समस्याओं से आम जनमानस सहित किसानों को निजात मिलेगी, पर निर्माणकर्ता, ठेकेदारों एवं नगर पंचायत जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते आज भी किसानों की समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, निर्माणाधीन कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय स्थल नगर पंचायत बेनीगंज की 11 माह पूर्व निरीक्षण में आए पूर्व जिलाधिकारी पुलकित खरे ने टीन शेड, चरही, भूसा घर, गोबर गैस प्लांट, समरसेबल, चौकीदार एवं डॉक्टर कक्ष को देखा तथा 2-3 शेड का कार्य पूर्ण न होने पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेनीगंज महेश प्रताप श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के लिए शीघ्र गौशाला संचालित कराना सुनिश्चित करें। वहीं कान्हा गौशाला की क्षमता के बारे में ईओ ने जिलाधिकारी को बताया था कि इसमें 250 पशु रखे जाएंगे और देखभाल, सफाई आदि के लिए नगर पंचायत के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। वर्तमान जिम्मेदार अधिकारियों की बंद जुबान की वजह से अभी भी साफ शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार रखने वाली कान्हा गौशाला का निर्माण एवं संचालन आदि कब हो पाएगा या इसका उद्घाटन कर किसानों की समस्याओं को समाप्त किया जा सकेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने भी मामले पर वर्तमान जिलाधिकारी जी का ध्यान केंद्रित कराते हुए उन्हें 1 माह पूर्व में ज्ञापन भी दिया था और गौशाला के संचालन को लेकर मांग उठाई थी, जिस पर कोई ठोस कार्यवाही न होने के चलते समस्त भाकियों पदाधिकारियों ने तहसीलदार संडीला को एक नोटिस थमाते हुए कहा कि हम समस्त पदाधिकारी सहित किसान जल्द ही कान्हा गौशाला के मेन गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हरदोई ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट।